नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं सर, बताइए कि हम लोग जो है अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे बढ़िया आसानी से अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा मोबाइल जो है बहुत ही पुराना मॉडल है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वीवो वी 53, यहाँ पे Y53 यहाँ मोबाइल है, जो कि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट है सर, बताइए कि हम लोग पुराने मोबाइल में कैसे मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर पाएंगे। सो आज इस वीडियो में पूरे डिटेलों को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल तरीके से समझा लूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जहाँ भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आप दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे अपना मॉडल नंबर, मोबाइल नंबर, अपना जो है टीवी का मॉडल नंबर आप मुझे सेंड कर दीजिए, और आपको जो है आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा कुछ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाने हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे जाना है आपको जो है एडिशनल सेटिंग्स में। यहाँ पे अबाउट फोन का ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अबाउट फोन। ओके, अबाउट फोन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है वर्जन के ऑप्शन पे। यहाँ पे वर्जन के ऑप्शन पे जाने के बाद बिल्ड नंबर के ऑप्शन पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टाइप करना है, और आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे पिन वगैरह मांगेगा, तो आपको पिन नंबर जो है आपको जो होम स्क्रीन पर लगा हुआ है वही पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपका जो है ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेटिंग्स जो है सभी मोबाइल में नॉर्मली रहते ही रहते हैं। अगर आपको जहाँ पे भी समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स पूछ लीजिएगा। ओके, तो आपको जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। और दोस्तों हो सकता है कि जो है आपको आवाज़ जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जल्दी में हूँ, अभी कंपनी में जाने वाला हूँ और अपने जो है साइबर कैफे में जाने वाला हूँ, तो इसलिए जो है लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बताता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अवार्ड फोन में जाएंगे, अवार्ड डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे जो है फिर से बैक आ जाएंगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे जो है डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो है यूएसबी डिबगिंग, इसको आपको ऑन कर देना है, ओके करना है। और यहाँ पे रिकूम क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो है वायरलेस डिबगिंग, इसको भी ऑन कर देना है, और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे 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 जाना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फिगरेशन, इसको आपको जो है यूएसबी टेरिपी क्लिक कर देना है, या फाइल ट्रांसफर ऑटो पे क्लिक कर देना है। इसके नीचे उसको करेंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट यूएसबी कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आरडीआई पे क्लिक कर देना है, इसको छोड़ देना है डिफॉल्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद नीचे उसको करना है फिर से, यहाँ पे जो है आपका सेटिंग्स जो है सब कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे भी आपको सेटिंग्स समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है सेटिंग्स हो चुका है सब चीज़ें। यहाँ पे पॉइंटर लोकेशन वगैरह सब छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब हो चुका है। आप क्या करें, बैक आ जाना है, यहाँ पे ऊपर साइड से ओपन करना है, यहाँ पे ओटीजी के ऑप्शन को ऑन कर देना है, और यहाँ पे जाना है आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ओटीजी का ऑप्शन हो चुका है आपको, जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन एक मिल जाता है आपको, स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन आपको भी मिल जाएगा। और आपके जो है अगर नहीं मिलता है, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो चीज डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। ओके, तो स्क्रीन मिरर के ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपको जो है टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। जब आप टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको जो डिवाइस है वो सर्च होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सर्च होना शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टीवी को ऑन करना है। अपने टीवी को ऑन करने के बाद आपको जो है, चलिए मैं आपको टीवी की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, आपको टीवी के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको सिखाता हूँ क्या क्या आपको करना है, आपको वैसे ही कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका डिवाइस जो है सर्च नहीं हो रहा है अभी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टीवी को ऑन करना है। चलिए मैं आपको टीवी की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ, और कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो चलिए आपको फटाफट से ले चलता हूँ टीवी की स्क्रीन पर। तो टीवी को ऑन करेंगे, मतलब आपको क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल जो है टीवी अपना ऑन हो चुका है। अब आपको मोबाइल जो है दिखाता हूँ, आपको टीवी को ऑन करने के बाद आपको एक जो सेटिंग्स है वो करना है। यहाँ पे टीवी ऑन हो चुका है, आपको टीवी को ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे जो है नीचे कर्सर को ले जाना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स जो दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे जो है जाना है ऊपर साइड से सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है सेटिंग्स दिया गया है, इस पर आपको जाना है। ओके, यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो है आपको इसको आपको ऑन करना है, और यहाँ पे जो है आपको करेक्शन पे जाना है, और इसके बाद यहाँ पे जो है सेटिंग्स में जाना है कॉमन पे। ओके, नेटवर्क में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे जो है इसको डिसकनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आईपी सेटिंग्स को जो है आपको यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। ओके, इसको बैक आ जाएंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे जो है कॉमन पे जाएंगे, और यहाँ पे जो है एंड्रॉयड कीबोर्ड इसको छोड़ दे रहा है, वो सब बैक आ जा रहा है। यहाँ पे सब सेटिंग्स देख लेना है, और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, और यहाँ पे नीचे जाना है, इसके बाद यहाँ पे जो है स्क्रीन मिरर पे जाना है। यहाँ पे इसके बाद आपका जो है डिवाइस है वो सर्च होना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे डिवाइस आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वेटिंग कर रहा है, आपको यहाँ पे जो है टीवी पर ले लेना है। यहाँ पे जो है हम जाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन मिरर पे जाएंगे। ओके मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन मिरर का ऑप्शन चूज करते हैं और आपका जो डिवाइस है यहाँ पे सर्च होना शुरू हो जाएगा। आपका डिवाइस जो है ऑन चुका है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आपका डिवाइस जो है देख सकते हैं पूरी तरह से लाइव यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ओके तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरी तरह से आपका जो डिवाइस है वो पूरी तरह से लाइव कनेक्ट हो चुका है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरी तरह से जो है इस तरीके से आपको जो है सेटिंग्स सब कर लेना है। ओके तो इस तरीके से बढ़िया आसानी से अपने मोबाइल को टीवी से कर सकते हैं। पूरा आपको देख सकते हैं लाइव दिखा रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे सब सब चीज़ें यहाँ पे जो है दिख रहा है। ओके जो भी मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चलाऊँगा तो व्हाट्सएप चलेगा और जो भी यहाँ पे चलाऊँगा तो सब चीज़ें यहाँ पे चलता रहेगा। ओके दोस्तों तो इस तरीके से आपको अपना जो है मोबाइल को टीवी स्क्रीन को आप जो है स्क्रीन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों तो बस आज की इस वीडियो में जय हिंद।